गोरखनाथ थाना क्षेत्र के विकास नगर में 22 जुलाई को गैलेंट इस्पात के व्यवसायी चंद्र प्रकाश अग्रवाल उस चंदू बाबू के निजी सुरक्षा गार्ड संदीप कुमार सिंह निवासी रायबरेली जनपद द्वारा किशोर अरविंद चौहान पुत्र संतराज चौहान निवासी चपत्ती टोला को गार्ड द्वारा मारी गई गोली में फरार चल रहे गार्ड ने शुक्रवार को पुलिस के दबाव में आकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि इस्पात व्यवसायी के घर की बाउंड्री पर क्रिकेट बॉल लेने के लिए गए नवयुवक पर गार्ड ने गोली चला दी थी, जिसका गंभीर अवस्था में लखनऊ में इलाज चल रहा है, जिसके बाद से ही आरोपी गार्ड फरार चल रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। जी, इस घटना में लगातार पुलिस मेहनत कर रही थी और हमने दो टीमें बाहर भी भेजी हुई थी, साथ ही साथ उसके जो शेल्टर देने वाले लोग थे उनके ऊपर लगातार दबाव था और इसी क्रम में पुलिस के दबाव को देखते हुए आज उसने समर्पण कर दिया है गोरखपुर पुलिस के सामने।